दोस्तों, कार्पल टर्न सिंड्रोम ये एक ऐसी दिक्कत है जिसमें हमारी जो रिस्ट होती है, यहाँ पर हमारी रिस्ट में मीडियन नर्व जो होती है वो कंप्रेस हो जाती है, और उसके कंप्रेशन की वजह से हमारे हाथ में झनझनाहट होना, पैरालिसिस हो जाना, या फिर बहुत ज़्यादा पेन होना, ये सारे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। हमारी चीज़ों पर पकड़ कमज़ोर हो जाती है, सुनपन महसूस होता है। दोस्तों, अगर इसके कारणों की बात करें तो इसके कारण काफ़ी सारे हो सकते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है चोट लग जाना। कभी हमें चोट लग गई हो, या फिर जो है कुछ ऐसा हम काम करते हो जिसमें हमारे रिस्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता हो। इसके अलावा दोस्तों, कोई ऐसी बीमारी हो, डायबिटीज़ हो या और कोई बीमारी हो जो कि इस नसों को कमज़ोर करती है, इन कारणों की वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है। दोस्तों, होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी मेडिसिन है कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए, जो कि सिम्टम्स और साइन देख के दी जाती है, और होम्योपैथी में इस बीमारी का बहुत ही अच्छा इलाज होता है। दोस्तों, एक दवाई ऐसी है जो कि कार्पल टनल सिंड्रोम में बहुत ही बढ़िया काम करती है, और उसको हम बोलते हैं वियोला ऑडरेटा। दोस्तों, लेकिन जो मेडिसिन्स होती हैं होम्योपैथी में कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए, हाथ में सुनपन को ठीक करने के लिए, हाथ में झनझनाहट को ठीक करने के लिए, वो काफ़ी सारी होती हैं, लेकिन वो सिम्टम्स देख के दी जाती हैं। लेकिन होम्योपैथी में कार्पल टनल सिंड्रोम का बहुत ही बेस्ट ट्रीटमेंट है।